राम राम भैया, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप यार आप सब बहुत बहुत बढ़िया। ये तो फाइनल दोस्तों, आज है जो वन प्लस अपने वन प्लस 10T स्मार्टफोन को लेकर आ चुका है। और दूसरी तरफ अगर मैं स्मार्टफोन के बेस्ट कॉम्पिटिटर की बात करूँ तो उनमें से एक है IQ 90। दोनों स्मार्टफोन की काफी तगड़ी टक्कर है, तो मैं आज आपको दोनों स्मार्टफोन का कंपेरिजन करके दिखाने वाला हूँ, बताऊंगा की कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है इन दोनों स्मार्टफोन में से, या अगर हमें इन दोनों स्मार्टफोन में से कोई एक स्मार्टफोन खरीदना हो तो वो कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। तो वीडियो के अंदर जरूर देखिए एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई वेट किस चीज कर रहे हो, वीडियो के नीचे जाओ यार, लाल बटन मिलेगा उसको दबा दो, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही लेटेस्ट स्मार्टफोन के कंपैरिजन रिव्यूज और अनबॉक्सिंग आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर वन प्लस 10T की बात करूँ तो यहाँ पर ये स्मार्टफोन हमें अप्रोक्स 35 से 40 हजार के बीच में देखने को मिल जाएगा, और IQ 90 की बात करूँ तो ये आपको अप्रोक्स 35 हजार के अंदर ही देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग में ज्यादा कुछ डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलता नहीं है। तो सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन के लुक एंड डिजाइन की बात करते हैं, और रियली में बात करूँ तो यार दोनों स्मार्टफोन लुक एंड डिजाइन वाइज काफी तगड़े स्मार्टफोन है। IQ 90 की बात करूँ तो यहाँ पर हमें 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, बेजल्स काफी हद तक कम देखने को मिल जाते हैं डिस्प्ले में, E5 AMOLED डिस्प्ले देखने को जाती है, स्टीरियो स्पीकर्स हैं। अच्छा जी, बेजल्स जैसे मैंने आपको बताया था काफी कम है, और रियर साइड से भी जो डिजाइन है यार काफी तगड़ा देखने को जाता है। ओवरऑल अगर मैं हैंडसम फील की बात करूँ स्मार्टफोन की, वो काफी अच्छा यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। वही अगर मैं दोस्तों वन प्लस 10T की बात करूँ, 6.7 इंच की OLED डिस्प्ले यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है, अगेन रिफ्रेश रेट भी यहाँ पर काफी अच्छा खासा देखने को जाता है, स्क्रीन टू बॉडी रेशो काफी कम हमें यहाँ पर देखने, मतलब काफी ज्यादा देखने जाता है, जिससे अगर आप कोई मूवी वगैरह देखते हो तो आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा होने वाला है। अगर मैं रियर साइड के डिजाइन की बात करूँ तो कुछ हद तक यार ज्यादातर आपको जो वन प्लस की 10 सीरीज है ना, उससे ही मिलता जुलता यहाँ पर डिजाइन देखने को मिल जाता है। तो ये दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले एंड डिजाइन थे, और दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले एंड डिजाइन की बात करूँ तो रियली में यार काफी अच्छे हमें देखने को मिल जाते हैं, हैंड्स ऑन फील है काफी अच्छी देखने जाती है। लेकिन बात आती है कि अगर हमें इन दोनों स्मार्टफोन में से एक स्मार्टफोन की डिस्प्ले चूज करनी हो तो मैं यहाँ पर वन प्लस की डिस्प्ले चूज करना चाहूंगा, रियली में काफी तगड़ी हमें डिस्प्ले एंड डिजाइन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अभी चल पड़ते हैं दोनों स्मार्टफोन की कैमराज की तरफ, तो IQ 90 में 50 MP ट्रिपल रियर कैमरा देखने में जाता है, एंड सेल्फी की बात करो 16 MP की सेल्फी है, 4K वीडियोज आप इजिली रिकॉर्ड कर सकते हो। वन प्लस 10T की बात करो सेम 50 MP ट्रिपल रियर कैमरा है एंड 16 MP की सेल्फी है। दोनों स्मार्टफोन में काफी तगड़ी कैमरा क्वालिटी देखने में जाती है, प्राइसिंग के हिसाब से काफी तगड़े स्मार्टफोन है हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो आप माय डिस्प्ले पर दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सैंपल यार देख सकते हो। यहाँ पर मैं मतलब यार पता लगाना काफी मुश्किल है कि कौन सा स्मार्टफोन का कैमरा बेस्ट है, फिर भी अगर मैं बात करूँ कुछ हद तक मैं यहाँ पर IQ 90 का कैमरा है थोड़ा अच्छा जरूर कहना चाहूंगा एज टू कम्पेयर के वन प्लस 10T के स्मार्टफोन से। परफॉर्मेंस की बात करूँ दोनों स्मार्टफोन में स्नैपडील के 1 Gen 1 चिपसेट के साथ देखने में जाते हैं, दोनों स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 के साथ हमें देखने को मिल जाते हैं, तो परफॉर्मेंस भी दोनों स्मार्टफोन में सेम देखने को मिल जाते हैं। आप पबजी कलफ्टी जैसे हैवी गेम्स है इजिली यहाँ पर प्ले कर सकते हो, आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। और वहीं अगर मैं बैटरी बात करूँ तो दोनों स्मार्टफोन में अप्रोक्स 4500 mAh की बैटरी देखने जाती है, लेकिन IQ 90 की बात करूँ तो 120W का फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट है, जबकि बात करूँ वन प्लस 10T की तो यहाँ पर आपको 150W का फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट देखने जाता है, और यहाँ पर अगेन वन प्लस 10T ही आगे निकल जाता है। तो ये दोस्तों सारी चीजें दोनों स्मार्टफोन के बारे में जो कि मैंने आपको बताई, आई होप यार आप सबको वीडियो पसंद आएगी। बात करें कि दोनों स्मार्टफोन में आपको कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, देखो यार दोनों स्मार्टफोन काफी तगड़े हैं, काफी टक्कर के स्मार्टफोन है, तो यहाँ पर मैं किसी भी स्मार्टफोन में ये कमी बताते हुए नहीं कहना चाहूंगा कि आपको ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। मैं बस यहाँ पर आपको कहना चाहूंगा कि आप अपने ब्रांड के हिसाब से खरीदें, क्योंकि काफी सारे दोस्त होते हैं जिनको वन प्लस के स्मार्टफोन अच्छे लगते हैं, और भाई आज के टाइम पर भी अगर मैं बात करूँ तो वन प्लस की ब्रांड वैल्यू थोड़ी ज्यादा है एज टू कम्पेयर करें IQ से। तो अगर आपको अच्छी ब्रांड वैल्यू चाहिए, रीसेल करना है आपको, मतलब सेल करना है आगे जाकर, तो आप वन प्लस की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ब्रांड वैल्यू मतलब आपके लिए मायने नहीं रखती, ब्रांड मायने नहीं रखता, तो आप IQ 90 भी परचेज कर सकते हैं, कोई ऐसा बुरा स्मार्टफोन नहीं है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, आई होप आप सबको वीडियो पसंद आएगी, मिलते हैं नेक्स्ट में।